गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर SBI PU, आप लोगों के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लाया हूँ रिगार्डिंग IBPS PU प्री रिजल्ट डेट। देखिए, IBPS PU प्री के जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स थे वो भी कंक्लूड हो चुके हैं। काफ़ी लोगों को वेट है कि सर रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है वो है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को आपका मेंस का एग्जाम डेट है। अब रफली 15 से 20 दिन पहले आप लोगों के रिजल्ट जो प्री का वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर हम जनवरी में बात करें तो 3rd week of Jan, जो जनवरी का जो तीसरा हफ्ता है, मतलब 14 से लेके 21 के बीच में कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, ये तो बात रही रिजल्ट डेट के बारे में। अब यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं आगे फिर, सर मेंस की प्रिपरेशन हम कैसे करें। अब देखो, जो सबसे बड़ा जो इश्यू स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो करंटली ये कि सर एक साथ बहुत सारी मेंस के एग्जाम हैं। RRB मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, क्लर्क मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करनी है और PU मेंस के लिए भी करनी है। तो और तीनों में ही लेवल का हल्का हल्का डिफरेंस रहता है, स्पेशली PU मेंस और RRB मेंस में थोड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहता है, स्पेशली इन रीजनिंग। तो ये कैसे किया जाए, जो आप प्रैक्टिस करें ना, दो लेवल में डिवाइड करके प्रैक्टिस कीजिए। एक आप मॉडरेट लेवल पे प्रैक्टिस कीजिए मेंस के, और एक आप हाई लेवल पे प्रैक्टिस कीजिए। अब अच्छी चीज आप लोगों के लिए ये है कि आने वाले समय में कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम नहीं है, तो उस पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूरा का पूरा टाइम जो आपका मेंस का है, पूरी तरीके से आप इसको डेडिकेट कर सकते हैं। जो 10 से 12 घंटे जो आप पढ़ाई करते हैं वो पूरा का पूरा मेंस को दिया जा सकता है। तो दो पार्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रैक्टिस करने की, अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए अपियर होने वाले हैं, क्लर्क मेंस के लिए भी, PU मेंस में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट, RRB मेंस में भी कर रहे हैं। तो दो पार्ट में आप अपनी प्रैक्टिस को डिवाइड कर लीजिए, एक तो मॉडरेट लेवल और एक हाई लेवल। अब इसके लिए कुछ सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे जो लाइव सेशंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्वांट्स और रीजनिंग के लिए। इस सब्जेक्ट पे, इस चैनल पे हम क्वांट्स और रीजनिंग के लिए आप लोगों के लिए डेली सेशंस लेकर आते हैं, और दोनों ही मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांट्स और रीजनिंग के डेली लाइव सेशंस रहते हैं। क्वांट्स का टाइमिंग रहता है आपका 9:15 PM का, और रीजनिंग का आपका टाइम रहता है सुबह 11:30 का। दोनों ही क्लासेस 1 घंटे से प्लस की क्लासेस हैं, बहुत अच्छी यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके साथ साथ मेंस के लिए आप लोगों के लिए दो बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है प्रैक्टिस के लिए। पहली प्लेलिस्ट का नाम है रीजनिंग फॉर मेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है प्रैक्टिस के लिए, और दूसरी है क्वांट्स फॉर मेंस के नाम से। यहां से आप डेली एक एक वीडियो सेलेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको सजेशन दूंगा एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज परचेज करने की, और उसमें हमारा सजेशन रहता है प्रैक्टिस मॉक के लिए। प्रैक्टिस मॉक का मैं आपको सजेशन देता हूँ, यहाँ से आप डेली प्रैक्टिस कीजिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे क्वांट्स हो, चाहे रीजनिंग हो। तो ये तीन सोर्सेज से अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब करंट अफेयर्स की अगर बात करें, तो उसके लिए अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है। नीचे इन सभी चीज़ों के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, चाहे वो प्लेलिस्ट के लिए हो, चाहे वो प्रैक्टिस मॉक के लिए हो, चाहे वो अफेयर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए। यहाँ से करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वांट्स और रीजनिंग के लिए लाइव सेशंस और प्लेलिस्ट, और क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए आप डेली प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अभी भी हमारे पास समय, ऑलरेडी कुछ टाइम से हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ टाइम हमें हो गया है मेंस के लिए तैयारी करते हुए। अब हमें थोड़ा सा रैंप अप करनी है हमने प्रिपरेशन को, प्री हमारे पास है नहीं, पूरा फोकस हमारा मेंस पे रहेगा। मोर देन वन एग्जाम है, अलग अलग लेवल्स हैं, तो दो पार्ट में जैसे कि मैंने बोला डिवाइड कर लीजिएगा, मॉडरेट एंड हाई लेवल, और इन दोनों के लिए साथ में प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अब रही बात रिजल्ट की, IBPS PU प्री का रिजल्ट कब तक आएगा, 3rd week of January में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।